बानी मखसूस सियासी जमात को बचाने के लिए यहूदी लॉबी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अपने सहूलतकारों के जरिए मुल्क को कमजोर करने की साजिश बनाई जा रही है। पाकिस्तान में तो आईन और कानून का मुसलसल मजाक उड़ाने वाले लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। फॉरेन फंडिंग फितने की पाकिस्तान दुश्मनी को हम देख ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी अपनी सरमायाकारी की हिमायत के लिए यहूदी लॉबी खुलकर सामने आ गई है। इस लॉबी का अहम किरदार लॉर्ड डैनियल हैनन, जो जनूबी अमरीकी मुल्क पीरू में पैदा हुआ एक कट्टर यहूदी और बर्तानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन है। लॉर्ड डैनियल जो 23 जुलाई को एक तकरीब का इनेकाद कर रहा है, जिसमें मखसूस सियासी जमात के अहदेदार भी शरीक होंगे, जिनमें जुल्फी बुखारी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी शामिल है। ये इंतहाई काबिले गौर बात है कि इसराइली मंदूब ने मखसूस पार्टी में ही दिलचस्पी जाहिर क्यों की है। इसकी तो एक ही वजह नजर आती है, और वो यहूदी लॉबी की मुमकिन फंडिंग को करार दिया जा सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉर्ड हैनन इसराइली हुकाम के साथ भी ताउन में मसरूफ रहा, और उसे इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का करीबी साथी और हामी समझा जाता है, और गुज़िश्ता 14 सालों से लगातार मुख्तलिफ इसराइली लॉबीज को फंड्स फराहम कर रहा है। और अभी कुछ अरसा कबल ही एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यूश केयर के लिए उसने इसराइली हुकाम की मदद से 25,000 बरतानवी पाउंड्स की माली मदद की। इन हताई की रोशनी में साफ नजर आ रहा है गजा के मुजरिम यहूदी और कसाब बानी जमात की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। इस इवेंट को पाकिस्तान के खिलाफ प्लेटफॉर्म के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसा लगता है कि गोल्ड स्मिथ की हिमायत याफ्ता यहूदी लॉबी की जानिब से बानी जमात को जेल से निकालने की कोशिशों का तसलसल है। लेकिन इस इंतशारी पार्टी को ये हर सूरत याद रखना होगा कि उनकी ये वाली कोशिश उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत के लिए भी सोचने का मकाम है कि आप अगर एक बार 9 मई के मुजरिमों को फैसिलिटेट करेंगे, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये हर जगह और हर रोज होगा।